जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब की बिक्री समेत अवैध रूप से परिवहन करने वालों की आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के परिपालन में ब्यौरा देहात की पुलिस टीम द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन अनुभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ़ नागेंद्र सह बैस के निर्देश में अवैध शराब की धरपकड़ करने के लिए एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए करीब 352 लीटर अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत 3,60,000 रुपये बतलाई जा रही है, साथ ही अवैध रूप से परिवहन करने वाले 2 टवेरा वाहन को जब्त किया है। दरअसल थाना प्रभारी ब्यौरा देहार आदित्य सोनी को अवैध शराब के परिवहन की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने टीम का गठन कर कार्रवाई की। ब्यौरा राजगढ़ बाईपास रेलवे ब्रिज के पास पहुंचकर नाकाबंदी की और कार्रवाई करते हुए आरोपी समेत अंग्रेजी मदरा के 22 कार्टून को जब्त किया।